आज हमने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को एक ज्ञापन भेजा, मंडी जिला के तमाम मीडिया कर्मियों ने और जितने भी हमारे संगठन हैं उन सब ने, प्रेस क्लब हैं, दूसरे यूनियन हैं, सब ने एक डीसी मंडी के माध्यम से सीएम को एक ज्ञापन भेजा। 8 अक्टूबर को एक खबर छपी थी न्यूज रडार में, धर्मशाला से प्रकाशित होता है, वेब पोर्टल है और उसके सुनील चड्ढा जी, वो इसके जो हैं इंचार्ज है, महामुखिया हैं, उसमें हरियाणा के जो चुनाव हुए उनके जो परिणाम आए उसके संदर्भ में एक खबर थी कि हिमाचल के जो संदर्भ है, हिमाचल की जो नीतियाँ, हिमाचल सरकार के जो कारगुजारी है उसका भी इम्पैक्ट पड़ा हरियाणा में। तो एक पूरी तरह से जो है एक राजनीतिक विश्लेषण था ये, जो आम तौर पे रोजाना अखबारों में छपता है, लेकिन उसमें सरकार ने किसी माध्यम से उसके ऊपर FIR दर्ज कर दी 8 अक्टूबर को शिमला सदर थाना में। और ये एक बहुत बड़ा आघात है, बहुत बड़ा प्रहार है लोकतंत्र के ऊपर। लोकतंत्र के 4 सितंभ को ये सब लिखने का पूरी छूट है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे अपनी रूलिंग में कहा है कि इस तरह की जो टिप्पणियाँ हैं, इस तरह की जो विश्लेषण है, ये पूरी तरह से मान्य है और इसके ऊपर किसी भी तरह का आपराधिक धाराएँ नहीं बनती। लेकिन उसके बावजूद ही हिमाचल प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है, जबकि हम प्रदेश सरकार को पूरी तरह से 2 सालों से कोऑपरेट कर रहे हैं, हालांकि सरकार ने हमें 2 साल में कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं है, पत्रकारों की एक भी मांग को नहीं सुना गया, ना किसी तरह से कोई सुविधा दी गई। लेकिन अब 2 साल के बाद, जब सरकार के 2 साल पूरे होने हैं, ये हमें तोहफे के रूप में जो एक FIR मिली है, जिसका हम पूरे प्रदेश में विरोध कर रहे हैं। और विरोध जो है आज हमने सिर्फ एक ज्ञापन के माध्यम से किया है, लेकिन यदि सरकार ने इस FIR को तुरंत प्रभाव से निरस्त नहीं किया, रद्द नहीं किया, इसको वापस नहीं लिया मुकदमे को, तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसी रणनीति बनाई जाए कि पूरे प्रदेश में सरकार का सहयोग भी किया जा सकता है, बाइकॉट भी किया जा सकता है, जो विकासात्मक रिपोर्टिंग है उसको बंद भी किया जा सकता है। अपने स्तर पर हम जो भी निर्णय लेंगे, कोई कठोर कदम उठाएंगे और ये आंदोलन पूरे प्रदेश में जाएगा। हम एक बार फिर मुख्यमंत्री से और उनके सलाहकारों को ये आवेदन करना चाह रहे हैं, अनुरोध करना चाह रहे हैं कि तो तत्काल प्रभाव से इस FIR को वापस लें। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।